अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और वसीम अकरम, माइकल वॉन साहब क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा ही नहीं, आपने तो एक मैच भी जिक्र जीत अभी आपने जाए। जिक्र किया ना वसीम अकरम का, तो साइम अयूब के लिए उन्होंने कमेंट्री में ये बोला है कि ये तो भाई दूसरे सईद अनवर है पाकिस्तान के। ओहो, अब उनके मुंह पे भी आ गया। इससे पहले भी आता था कि इनको सईद अनवर से मिला दिया, इसको मिला दिया, लेकिन यार लेकिन जबरदस्त, बड़ी पूरे एतमाद बैटिंग किया साइम बहुत अयूब। बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई है। बॉलिंग बहुत यहीं बैठ अच्छी। के हम लोग हारिस रऊफ को उड़ा हाँ रहे थे जी बैठ जी 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 के, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। लेकिन हारिस ने लग रहा तो है कि बाकी अपनी लग रहा लाइनअप में प्रेस थोड़ा कॉन्फ्रेंस के अपग्रेड प्रेस काम किया कॉन्फ्रेंस के है। बाद जो है उन्होंने अपनी बॉलिंग पे भी काम किया है और यस, मज़ा आ गया। और रिजवान का तो लग रहा था कि आज रिजवान का दिन ही है, रिजवान का दिन है। ठीक है, यस, कि जिस तरह मतलब उसने टॉस उसने कॉर्ट जीते, बिहाइंड कोई 5 या 6 विकेट छः लिए हैं मेरे करे ख्याल से एक और छोड़, आलमी रिकॉर्ड बराबर हाँ कर लिया एक है। छः करे और एक छोड़ दिया था उन्होंने। हाँ, वो अगर एक कैच हो जाता तो मेरे ख्याल से वो हाँ, रिकॉर्ड ब्रेक हो फिर जाता। वो छोटे छोटे स्पेल करवा रहे थे बॉलिंग के, अपनी मर्जी के प्लेयर लेविंग थे। शायद आज असद शफी को शायद तबीयत उतनी खराब हो गई थी, तो आज हाँ, रिजवान बोला चलो तो मैं अपनी मर्जी आज चला रिजवान लेता ने चलाई अपनी मर्जी, उसका फायदा हूँ। भी हुआ वैसे फायदा तो। हुआ, दिखा पाकिस्तान टीम, यार क्रेडिट तो जाता है लेकिन इतने जी वो अरसे के बाद। बड़ा तफरी वाला सीन था हाँ हाँ जब पहले वो बताओ ताकि मैं मैच पे वो आए। जैम्पा ने पता नहीं लेना था या नहीं लेना था रिव्यू, लेकिन हमारे रिजवान साहब बड़े रिलेक्टेंट थे कि जैम्पा जो है वो रिव्यू ले लें। और मजे की बात यह है कि रिव्यू लिया भी और रिव्यू में सही नॉट आउट था। सही सही, वो पन वाला सीन तो याद नहीं है कि पन फील्डिंग सेट करवा रहे थे, तू इधर आ जा तू इधर आ जा तू इधर आ जा। अच्छा भाई, 7 साल के बाद पाकिस्तान जीता और इस यहाँ तो 96 के बाद जीता और है मजे की ऑस्ट्रेलिया बात है से। कि जीता भी और दोबारा से कि हारिस रऊफ ने नया मतलब एक तरह से रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि शकलैन मुश्ताक का ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने जी, फाइफर कंप्लीट किया सही था सही अपना। और सही हारिस रऊफ मेरे ख्याल से अब सही। अगले 5 साल के लिए भी पक्के हो गए हाँ हैं। हाँ कप्तान है भाई, अगला लाहौर कलंदर का तो कप्तान है ही है, कुछ कह ही नहीं। तो भाई आकिब जावेद ने जिस पे हाथ रखा है इस वक्त उसका तोता बोला है। हाँ वही, 9 विकेटों से यानी बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 35 ओवर में 163 रन पर और आउट हो इसमें गई। लेबुशेन और क्या नाम है पैट कमिंस और मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है, आउट किया तो है यानी बड़े बड़ी खिलाड़ी को बात आउट है, किया, सबसे बड़ी बड़ी बात बात है। है। और फिर पाकिस्तान ने भी आप देखिए जब बैटिंग शुरू करी 27 ओवर में पूरा कर लिया, और साइम अब्दुल्ला शफीक पे जितनी फिर कंट्रोवर्सी 137 रन्स की दोनों सही की सही जबरदस्त सही बड़ी पार्टनरशिप सही देखने सही। में आई है आज। और ख्वाब देख रहे थे मामूलक वापसी आने का, शायद अब आज तो आज उनका आप ख्वाब हाँ बढ़ चकना शुरू गए हो अब गया। लेकिन उनके। यार बहुत अच्छा खेला, फिर बाबर ने भी नीचे आके अपनी विकेट की वैल्यू बताई कि और मैच बाबर हाथ ने मिड में। विकेट पे बहुत जबरदस्त कैच लिया है भैया आज, हाँ, वो वो आउटस्टैंडिंग तो अगर कैच। कैच का जिक्र ही ना करें हाँ जी, बहुत तो वो भी जबरदस्त कैच, एक था ना, क्लासिक मोमेंट था इस क्लासिक मैच मोमेंट। का। मतलब आज मैच देखने में मजा आया और यही हम चाहते थे कि हमारी कि टीम यार भी आप देखो ना, फेयरनेस क्रिकेट खेले, जो कि देखो आज ना उन्होंने खेल ली 137 रन की पार्टनरशिप ओपनिंग की तरफ से है। आई है, नहीं हाँ, काफी और ओपनिंग साइम आती है अयूब ने पता ऑस्ट्रेलिया है मैच के बाद ये गुफ्तगू भी की, स्पेशली क्या। उन्होंने कहा भी है ये बात कि हमारे दिमाग में ना रिजल्ट्स नहीं थे, हमें बस ये था कि हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और एग्रेसिवली जाना है, सही सही तो सही सही। जो सोचा था उसको एग्जीक्यूट किया, ये बहुत अच्छी बात है और सीरीज 1-1 से हो गई, अब क्या लग रहा है संडे को यार। क्या होने पॉइंट वाला में है, है अब तमाम है मुकाबला संडे को। तो क्या और हुआ, वैसे देखे ना, अगर आप एक मैच जीत जाते हैं ना बड़ी टीम के उनके अगेंस्ट, तो पास तो आपका कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस हाँ लेवल बढ़ जाता है, तो चांसेस हाँ है। और पाकिस्तान अगर जीत जाता है ना, तो पाकिस्तान का जो हाँ गिरा हुआ मोराल है ना, वो काफी अपलिफ्ट हो नहीं, जाएगा। इस मैच के बाद बहुत ऊपर हो गया हाँ है यार, बिल्कुल हो बहुत गया, ऊपर लेकिन हो गया। सीरीज जीतने की बात अलग होती है ना, वो सीरीज भी इन जीतेंगे द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में, और वसीम अकरम तो कॉमेंट्री के दौरान वो यूं ही बोले जाते हाँ वसीम यार, अकरम नहीं का तो वो हाल था कि वसीम अकरम तो इस वक्त बिल्कुल आसमानों उन्होंने कह पे दिया थे। ना यार मैं पाकिस्तानी हूँ यार, क्या हो हाँ गया हाँ यार। बिल्कुल। अच्छा इस जीत का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ बताओ, इस जीत का फायदा रिजवान को भी हुआ है, जीत का फायदा तो पहला बिल्कुल। सीरीज थी मुझे लग रहा बतौर है इस जीत का कैप्टन। सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को हुआ है। कैसे? भाई बॉर्डर गावस्कर में खेलने जा रहे हैं, ठीक है वो हाँ टेस्ट फॉर्मेट है, लेकिन हाँ उन्होंने बोला यार जब पाकिस्तान इनको इतना गंदा हरा सकता है तो फिर सोचो हम लोग कहाँ हराएंगे। नहीं, लेकिन अभी देखे ना वो भी बड़ा बुरा हारे हैं एक्चुअली न्यूजीलैंड के साथ। बुरा हारे हैं बुरा जीते हैं, लेकिन जो आज इंडियन मीडिया की तरफ से हरकतें आ रही है ना यार, बड़ा अफसोस हो रहा है उन लोगों के बातें देख के। यानी आप खेल को सियासत से दूर रखो और अभी तक वो माचिस जलाए जा रहे हैं जलाए जा रहे हैं। भाई अगर आप में इतना तप्पड़ है तो खुल के कह दो कि नहीं आना, नहीं आना। नहीं हाँ आना, खुल के कह दो एग्जैक्टली, भाई आप क्यों बीच में आप के। मतलब अपने मीडिया के हाँ जरिए आप इस तरह की बातें मीडिया के रिपोर्ट कर जरिए रहे वो हो, कर एक रहे हो वो जहन कर रहे साजी हो, करने की और कोशिश की जा रही है शायद आईसीसी की। उनका मीडिया भी शायद लगा हुआ है कि यार किसी तरीके से बस ये जो ना जितने दिन करीब आ रहे हैं
और खास तौर पे शायद आईसीसी ने भी उनको एक आंखें दिखाना शुरू कर दी है, तो आई थिंक वो चीज को कंट्रोवर्शियल लग करना चाह रहे हैं और वो बस कह रहे हैं कि भाई हमें खेलने से एतराज नहीं है, आप वहां आ जाओ, यहां आ जाओ, टीम हो आप जिसकी भी अगेंस्ट खेले, मतलब क्रिकेट को और सियासत को ना बिल्कुल बिल्कुल अलग रखे, बिल्कुल अलग। मतलब हम देखे, हम भी तो चले गए थे ना यार, मतलब इंडिया टी20 वर्ल्ड कप, और वो कह रहे हैं आपकी वही नहीं है कि आप आए वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, अभी क्योंकि आज ही हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, आप सब जानते होंगे भारत में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, आरिफ अली अब्बासी साहब बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहा है मैंने, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भारतीय टीम के हवाले से बहुत सारे राज कहे हैं और बहुत सारी तड़ियाँ दी हैं। 96 वर्ल्ड कप का सारा पिंडोरा बॉक्स उन्होंने खोला है, वसीम अकरम का पिंडोरा बॉक्स खोला उन्होंने, बासित अली साहब को मैसेज दिया है उन्होंने, तो मंगल को वो वाला इंटरव्यू देख पाएंगे। अच्छा, मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया आज सही वाक्य पे मीडिया पे आया, उन्होंने बोला भाई लिख के दे दो, आना है तो हाँ सही बात है, भाई आप क्लियर कर दो ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर तो भाई कोई चांस नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई और ना ऐसी कोई बात होगी, और हम तो भुगते हुए ना यार एशिया कप में हमारे प्लेयर के साथ क्या होता था, हमारे प्लेयर इतने लेथार्जिक हो जाते हैं। वसीम अकरम पहले कह रहे थे कि एक तो उन्होंने पाकिस्तान टीम पे पिटीशन करी थी, वो उनकी गलत हुई, फिर उन्होंने बोला मुझे इशारे मिल रहे हैं, आज इस स्टोरी में भी उनके सारे इशारे जो है ना इशारेबाजी हो गई, इशारे मिल रहे थे हवा में, हवा पे जो सही है वो वाला काम कर रहे थे। अच्छा, फिर मोहसिन नकवी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने बोला यार आप नहीं आ रहे ना तो बस आप ये समझ लें फिर हमसे भी अच्छी की उम्मीद ना रखें, तो जाहिर है यानी यार ये मोहसिन नकवी की ये तरीके ना मुझे बहुत अच्छी यार है। देखो हम एक दफा चले गए, अब हमने कहा कि चलो भाई हमने हमेशा एक नरम गोशा रखा है, हमने हमेशा नरमी बढ़ती है, अच्छे रवैये के साथ हम उनके साथ पेश आते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि अब हमें फॉर ग्रांटेड ले लें यार। चलो यार बस ये है कि आपके ये जो मीडिया का जो मजाक था इससे करोड़ों फैंस को बहुत मायूसी हुई है, ठीक है, क्योंकि आप चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आओगे तो ये एशिया कप टी20 वर्ल्ड कप और फिर एशिया कप है, टी20 वर्ल्ड कप है, फिर मेन चैंपियन ट्रॉफी भी इनके पास होने वाली है, तो फिर इवेंचुअली देखो चीजें आपके पास भी आएंगी और एक बात देखेंगे है, ठीक है, अगर इंडिया नहीं आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा कुछ एंडोर्समेंट का इश्यू हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा ना तो फिर इंडिया को भी इन्हीं मसाइल का सामना। अब देखो ये इंडियन मीडिया के मुंह में ये बात डाली किसने, दानिश कनेरिया ने, वो तो अपने ही गिराते हैं नशे मंत्र बजी। हाँ, तो ये दानिश कनेरिया साहब तो पीछे हट गए, लेकिन भारतीय मीडिया के मुंह में उन्होंने जबान दे दी, और वो तो उसका ही क्लिप चला रहे हैं कि भाई देखें पाकिस्तान का खुद खिलाड़ी कह रहे हैं कि नहीं जानी चाहिए। अच्छा यार बस वीडियो एंड करते हैं, ये लोगों को तो सेक कर देना चाहिए। हाँ सही है। आरिफ अब्बासी साहब ने आपके लिए बहुत दुआएं दी हैं सर, आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा जाते जाते यार के राहुल का क्या मसला है यार, क्या मसला है कि भाई पहले इनिंग में ठीक है आपकी बैट लग गई, चार रन थे ठीक है मानता हूँ यार, इनिंग में क्या करना यार, आप इसका आउट देखो, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, बॉल आ रही है बल्ला ही नहीं ला रहा, बैट आके कर दिया आउट हो गया, यानी यार यानी वही कहते हैं जिन पत्तों पे हवा थी क्या थी, वो चलो मिसाल क्या थी, कौन सी जिन पत्तों पे हवा थी उन्हीं ने धोखा दिया ऐसे। हाँ यानी तुम्हें और तुम्हें हम वो इंडिया जिन पे हम रिलाय कर रहे थे, यानी वही धोखा दे, यानी तुम्हें ऑस्ट्रेलिया पहले भेजा कि तुम जाओ ए टीम के साथ लहना, ये करना वो करना, लेकिन तुमने कसम खाई हुई है कि जब तक आईपीएल नहीं होगा तुम आईपीएल में तो इस तरीके से आउट हो जाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे साथ क्या सीन होगा, देखिए वहां तो बातें करोड़ों की हो रही होती हैं, वहां थोड़ी आउट होगी। अच्छा फिर पाकिस्तान के कोच ने बात करी कमेंट्री के दौरान ही, उन्होंने कहा यार नहीं यार मैं रेड बॉल का कोच नहीं बन सकता, व्हाइट बॉल का सॉरी नहीं बन सकता वो कह रहे नहीं यार मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रहा हूँ, बस मैं अभी पार्ट टाइम हूँ इस फॉर्मेट का, यानी वनडे का टी20 का, और इसके अलावा नहीं खेल सकता यार मैं, यानी उनको आसरा दिया जा रहा था कि शायद लेकिन फायदा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो आकिब जावेद के अलावा हम कहीं और कहीं देखेंगे नहीं, अब तो देखना भी गुना है भाई, गुना। अच्छा भाई एक और बड़ा क्रिकेटर क्रिकेट के से रिटायरमेंट ले ली, मोहम्मद नबी अफगानिस्तान का यार बहुत खिदमत है, बड़े मैचेस जिताए हैं, और देखें वही बात है कि सीनियर्स ने एक अच्छी लेगेसी छोड़ी है, तो वही अफगानिस्तान की टीम को यहाँ तक पहुँचाने में मोहम्मद नबी का बहुत हाथ पड़ा है। बिल्कुल चले भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो पे जरूर अपने कमेंट्स करिएगा, मुबारकबाद दिएगा भारतीय टीम के हवाले से, जरूर फीडबैक दिएगा भारतीय मीडिया के हवाले से, जरूर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।